असलम दिस इज़ हुमैना तो आज हम कर रहे हैं मैथ टेन की एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन जो कि है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं काटते हैं सर्कल की कोई ऐसी लाइन जिसने सर्कल के दोनों किनारों को टच तो किया लेकिन वो सेंटर में से गुजर के गई तो उसको बोलते हैं डायमीटर लेकिन ऐसी लाइन जिसने सर्कल के दोनों किनारों को टच तो किया लेकिन सेंटर में से गुज़र के ना गई तो उसको बोलते हैं कॉर्ड तो यहाँ कॉर्ड की बात हो रही है तो वो कह रहा है के दो इक्वल कॉर्ड्स हैं यानी कि ए बी और सी डी जिन्होंने एक दूसरे को काटा है इंटरसेक्ट किया है हमने शो करना है प्रूव करना है डेट द सेगमेंट ऑफ दी वन आर इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग टू द सेगमेंट ऑफ द अदर यानी ये जो दो कॉर्ड हैं एक ए बी और एक सी डी वो बराबर है वो दोनों कन्ग्रेंट हैं तो बस हमने प्रूव करना है सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया फिर हमने दो कॉर्ड ले लिए एक ए बी और एक सी डी और बीच में जिस पॉइंट पे इसने कट किया दोनों कॉर्ड ने एक दूसरे को उस पॉइंट को हमने ई e कह दिया तो हमने ये बात लिख ली गिवन डेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई वो ई e पर काट रहे हैं हेयर बी सी इज डायमीटर बी सी देखें बी सी ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर में से गुजर के जा रहा है तो बी सी को डायमीटर बोलेंगे तो बी सी एक डायमीटर है अकॉर्डिंग टू फिगर अब फिगर से हमें क्या पता चल रहा है फिगर से हमें यह पता चल रहा है कि मैयर एंगल वन जो है आप देखिए ये जो है इसको हमने वन का नाम दिया है हम कह रहे हैं मैयर एंगल वन जो है वो मैयर एंगल टू के बराबर बड़ है आपको पता है जो क्रस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं तो एंगल इसको वन कहा है इसको टू कहा है तो एंगल वन और एंगल टू कन्ग्रेंट हैं और हमने रीज़न दी है कि कॉरस्पोंडिंग एंगल्स कन्ग्रेंट होते हैं इसी तरह यहाँ एंगल थ्री कह दिया है तो इसके बिल्कुल कॉरस्पिंग जो एंगल है इसके अपोजिट तो वो एंगल फोर है तो हमने कहा एंगल थ्री और एंगल फोर क्या है वो कनग्रंट हैं और इसकी रीज़न भी हमने दी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कनग्रंट होते हैं एज वी नो डैट हम जानते हैं कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर हम जानते हैं कि ए बी और सी डी ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो हमें पता है कि मैयरमेंट ए बी जो है जो ए बी कार्ड है उसकी जो मैयरमेंट है वो किसके बराबर हैं वो कनग्रंट हैं बराबर हैं ए ई प्लस ई बी देखें ई ने क्योंकि इंटरसेक्ट किया काटा तो इसका मतलब है ए बी जो कार्ड है उसकी जो मैयरमेंट है वो बराबर होंगे ए ई प्लस ई बी ए ई प्लस ई बी इसी तरह जो दूसरा कॉर्ड है सी डी तो सी डी की मेजरमेंट किसके बराबर होंगे वो सी ई e, e ने क्योंकि इंटरसेक्ट किया है काट है तो इस पॉइंट पे यानी सी ई प्लस ई डी तो सी ई सी प्लस डी ई हमने कह दिया अब इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि अगर ये दोनों कनग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि ए बी और सी डी बी कनग्रेंट हैं ए बी और सी डी बी कन्ग्रेंट हैं एक दूसरे के सामने हैं तो ये बात हमने लिख ली कि ए बी इज कनग्रेंट टू सी डी और नीचे लिखा हमने हैंस प्रवड तो क्वेश्चन नंबर टू है ए बी इज दी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एक सर्कल है उसका ए बी कॉर्ड है तो हमने एक सर्कल को ड्रा किया और ए बी हमने एक कॉर्ड को ड्रा किया कॉर्ड क्या होती है ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच तो करे लेकिन सेंटर में से गुजर के ना जाए तो ए बी को हमने कॉर्ड कह दिया ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड दी डायमीटर सी डी इज अब डायमीटर क्या होती है डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दोनों किनारों को टच करे और सेंटर में से भी गुज़र के जाए जो कि ओ है तो हमने सी डी को कहा कि सी डी एक डायमीटर है सी इज़ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर अब परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या होता है बाई का मतलब होता है टू सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स अब ऐसी लाइन जिसने किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो उस लाइन को कहते हैं कि ये लाइन बाई सेक्टर है इसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ये होगा कि इसने 90 का एंगल भी बनाया है तो ये हमारी लाइन जो है ये इस लाइन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो उसने कहा CD जो डायमीटर है देखें हमने AB सबसे पहले एक सर्कल को ड्रा किया उसके बाद AB हमने एक कॉर्ड बना लिया AB के बाद अब हमें पता चला है कि CD जो कि डायमीटर है वो इस AB पे परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है CD जो के डायमीटर है यानी सेंटर में से गुजर के जा रहा है वो इस AB पे परपेंडिकुलर बाइ सेक्टर है यानी उसने ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है और 90 का एंगल भी बनाया है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेटर है तो बस आगे है प्रूव डेट हमने प्रूव करना है कि ए सी की जो मेजरमेंट है वो बराबर है बी सी की मेजरमेंट से यानी ए सी ए सी की जो मैयरमेंट है वो बराबर है बी सी की मेयरमेंट से और ये हमने प्रूव करना है सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा हुआ है गिवन हम गिवन में क्या लिखेंगे इन दी गिवन फिगर ए बी इज जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है वही चीज़ हमने गिवन में लिख दी है कि ए बी जो है वो एक कॉड है और वाइज सी डी इज डायमीटर सी डी जो है वो डायमीटर है इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी जो है वो ए बी कॉड पे पर है 90 का एंगल बना रही है ये डायमीटर मीटर ठीक है आगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में हम वो चीज़ लिखते हैं जो खुद से हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद से अपनी आसानी के लिए कुछ बनाते हैं तो हमने क्या किया हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर लिया और ए को भी सी के साथ हमने ज्वाइन कर लिया ये चीज़ हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की है तो इसको हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया उसके बाद प्रूफ है प्रूफ में दो कॉलम्स हैं एक स्टेटमेंट और एक रीज़न का यहाँ हम स्टेटमेंट देंगे और यहाँ हम रीज़न देंगे कि हमने ये काम क्यों किया है अब देखें दो ट्राई बन गई हैं एक हमारे पास ट्राई बनी है बी सी ई यानी कि बी सी ई और दूसरी ट्राई बनी है ए सी ई ए सी ई अब दो ट्राई एंगल्स बन गई हैं. हम इन दो ट्राई एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमने इस तरह एरो का निशान लगा दिया इसका मतलब है हम इन दो ट्राई एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं हमें पता है कि किसी एक ट्राई एंगल में टोटल सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं कोई से तीन कंपोनेंट्स बराबर आ जाएं तो ये शर्त है कि उसमें एक साइड ज़रूर शामिल हो या ये साइड हो या ये साइड हो या ये वाली साइड हो यानी कोई साइड ज़रूर शामिल हो सिक्स कंपोनेंट्स में से किसी ट्राई के किसी दो ट्राई में से कोई थ्री कंपोनेंट एक जैसे आ जाएं तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राई एंगल हैं एक जैसे हैं तो अब हम यही दो ट्राई एंगल्स लेंगे इन दोनों ट्राई एंगल्स को हम तीन कंपोनेंट लेंगे कि वो एक जैसे हैं वो कनग्रेंट हैं तो अगर वो तीन तीन कंपोनेंट्स एक जैसे हैं तो इसका मतलब है बाकी तीन कंपोनेंट्स भी एक जैसे होंगे तो वो ट्राई एंगल्स हो जाती हैं तो अब हम ये दो ट्राई ले रहे हैं इसमें सबसे पहली जो साइड ली हमने बी ई ली बी ई कौन सी साइड है ये देखें ये बी ई हमने लिया कि वो कनग्रेंट है ए ई से ठीक है और इसकी रीजन हमने क्या दी कि ये बेस है ये बेस है ना देखें ये नीचे है ना अगर इस ट्राइंगल को इस तरह करें अगर इस डायग्राम को इस तरह करें तो ये जो नीचे वाली ये नीचे आ जाएगी तो ये हमारी बेस है तो बेस गिवन में हमारे पास मौजूद है गिवन में हमें पता है कि गिवन फिगर ए बी इज कॉर्ड वाइल सी डी इज डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी अब सी डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइ सेक्टर है ए बी का तो ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी का सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी ए बी को उसने दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट किया है काटा है तो जब सी डी डायमीटर ने इस कॉर्ड को ए बी को दो बराबर हिस्सों में काटा है तो इसका मतलब है ए ई e की जो लेंथ है वो बराबर होगी बी ई e की लेंथ के तो यही बात हमने लिखी हुई है कि बी ई बराबर है कन्ग्रेंट है ए ई e की और ये चीज़ बेस है जो कि हमें गिवन में पता है कि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है इसने दो बराबर बड़ हिस्सों में ए बी को तकसीम किया है ये अब हमारी पहली चीज़ पहला कंपोनेंट एक जैसा आ गया अब दूसरा हम कंपोनेंट ले रहे हैं ई सी ई सी ये देखें ई सी को देखें जो ई सी है वो दोनों ट्रायंगल्स में एक जैसी है ये एक वॉल है परपेंडिकुलर है तो अब ए e को देखें कि ए ई इस ट्रायंगल में यानी कि बी सी ई e में और ए सी e, में दोनों में जो ई e, सी है वो कॉमन है एक जैसा है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में ई e, सी बराबर होगा ई e, सी कन्ग्रेंट होगा तो ये दूसरी दूसरी चीज़ यानी कि दूसरा कंपोनेंट भी हमारा प्रूव हो गया है और इसकी रीज़न हमने दिया है कॉमन क्योंकि ये दोनों ट्राइ में ई e, सी जो है वो कॉमन है और तो तीसरी चीज़ है कि एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल ए के यानी एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर बड़ है और इसकी हमने रीज़न दी है कि एंगल थ्री और एंगल फोर कनग्रेंट हैं देखिए एंगल थ्री और एंगल फोर एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं कनग्रेंट हैं तो हमने थ्री और फोर भी खुद लगा दी और वन और टू भी नाम हमने खुद दे दिए तो एंगल वन और एंगल टू भी कनग्रेंट होंगे एजेंस एंगल जो होते हैं वो कनग्रेंट है उसके बाद देखिए हमारी तीस तीनों चीज़ें प्रूव हो गई तीनों कम्पोनेंट्स एक जैसे आ गए तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राई जिनको हम कंपेयर कर रहे थे सिक्स कंपोनेंट्स में से थ्री कंपोनेंट एक जैसे आ गए हैं कंग्रेंट आ गए हैं तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राई एंगल्स आप कंपेयर के निशान की जगह हम लिख लिख देंगे कि कंग्रेंट हैं दोनों ट्राई एंगल्स हैं क्योंकि इनकी तीनों चीजें एक जैसी आ गई हैं और रीजन हमने दी है एस ए एस पोस्टुलेट यानी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट दो साइड्स और एक एंगल इन दोनों ट्राई में एक जैसे आ गए हैं तो इसलिए ये दोनों ट्राई एंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि इसकी बाकी तीन कंपोनेंट्स भी एक जैसे होंगे तो हमने ये साइड ले ली कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है इसका मतलब है बाकी तीन कंपोनेंट्स को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें पता है कि दो ट्राई एंगल कनग्रेंट हैं तो उनकी सिक्स के सिक्स कंपोनेंट कन्ग्रेंट होंगे तो इसलिए हमने ए सी को ए सी को कन्ग्रेंट कह दिया है बी सी के और हमने यही प्रूव करना था तो हम नीचे लिखते हैंस प्रूव्ड कोई कन्फ्यूजन हो कोई मसला हो कोई बात समझ ना आई हो आप नीचे कमेंट में पूछना मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी ओके फिर अला